कार्यक्रम के दौरान सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के मौके पर स्मारक सिक्का जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी एक मंच पर मौजूद हैं। जयंती के मौके पर स्मारक सिक्का जारी किया है पीएम मोदी ने। गुरु गोविंद सिंह जी की आज 352वीं जयंती है। आपको ये भी बता दें कि 2017 में पटना में गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती के मौके पर यह ऐलान भी किया गया था कि स्मारक सिक्का जारी होगा, और उस वक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी हुआ था। मनाया ही, अब गुरु नानक देव जी की 550वीं जन्म जयंती के समारोह की तैयारियां भी चल रही हैं। यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हमें इन दिनों पावन अवसरों पर जुड़ने का सौभाग्य विशेष रूप से मिला। सरकार ने फैसला किया है ये प्रकाशोत्सव देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तो मनाया जाएगा, पूरे विश्व भर में हमारी एम्बेसी में भी इस समारोह का आयोजन होगा। यही नहीं, आप ये भी भलीभांति जानते हैं कि अब केंद्र सरकार के अथक और अभूतपूर्व प्रयास से करतारपुर कॉरिडोर बनने जा रहा है। अब गुरु नानक के बताए मार्ग पर चलने वाला हर भारतीय, हर सिख दूरबीन के बजाय अपनी आंखों से नारोवाल जा पाएगा और बिना वीजा के गुरुद्वारा दरबार साहब के दर्शन कर पाएगा। अगस्त 1947 में जो चूक हुई थी ये उसका प्रायश्चित है। हमारे गुरु का सबसे महत्वपूर्ण स्थल सिर्फ कुछ ही किलोमीटर से दूर था, लेकिन उसे भी अपने साथ नहीं लिया गया। ये कॉरिडोर उस नुकसान को कम करने का एक प्रामाणिक प्रयास है। साथियों, गुरु गोविंद सिंह जी हो या फिर गुरु नानक देव जी, हमारे हर गुरु ने न्याय के साथ खड़े होने का सबक दिया है। उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज केंद्र सरकार 1984 में शुरू हुए अन्याय के दौर को न्याय तक पहुंचाने में जुटी है। दशकों तक माताओं ने, बहनों ने, बेटे बेटियों ने जितने आंसू बहाए हैं उन्हें पहुंचने का काम, उन्हें न्याय दिलाने का काम अब कानून करेगा। साथियों, आज के इस पवित्र दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दिखाए 11 सूत्रीय मार्ग पर चलने का फिर से संकल्प लेने की जरूरत है। आज जब भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की राह पर चल पड़ा है, तब भारत की भावना को और सशक्त करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि हम सभी गुरु जी के बताए मार्ग से नए भारत के अपने संकल्प को और मजबूत करेंगे। एक बार फिर आप सभी को प्रकाश पर्व की बधाई। आपके लिए नया साल ढेरों खुशियां लेकर के आए, इसी कामना के साथ जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल करके उन्होंने संबोधन को खत्म किया, और साथ ही स्मारक सिक्का जारी किया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी आप देख रहे हैं और तमाम नुमाइंदे सिखों से जुड़े हुए देख रहे हैं आप, जो सिख समुदाय से लोग जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। स्मारक सिक्का जारी किया और साथ ही प्रकाश पर्व के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि 352वां प्रकाश पर्व शुरू हो चुका है, जो गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म स्थान है तख्त हरमिंदर पटना साहिब में, यहां पर 352वां प्रकाश पर्व शुरू हो चुका है और देश के विभिन्न अलग अलग जगहों पर भी प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के मौके पर ये स्मारक सिक्का जारी किया दिल्ली के कार्यक्रम में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सिक्का जारी किया और लोगों के बीच वो मौजूद थे। एक मंच पे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे।